हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मैक्रोनी बनाना, तो आइए बनाते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाने के लिए ये हमने एक बड़ी कटोरी मैक्रोनी ली है और ये मैंने दो टमाटर को टुकड़ों में कट कर लिया है, दो प्याज को भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, ये मैंने एक बड़ी गाजर ली है इसको मैंने गोल टुकड़ों में कट कर लिया है, एक बड़ी शिमला मिर्च ली है इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं मैक्रोनी। ये मैंने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, ये मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और एक चम्मच के आसपास मैं इसमें ऑयल डालूंगी और इसको मैं उबलने देती हूँ पानी को। ये हमारा पानी उबल चुका है, अब मैं इसमें ये मैक्रोनी डाल दूंगी और इसको भी उबलने देती हूँ मैक्रोनी को। मैं जब तक ये हमारी मैक्रोनी उबलती है तब तक मैं ये मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी और ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और इसे मैं भून लेती हूँ। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्के से सौते ही करना है प्याज को। ये हमारे प्याज हल्के से सौते हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये गाजर डाल दूंगी। अब मैं इसके साथ ये टमाटर और शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। आपको जो सब्जियाँ पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ गाजर और शिमला मिर्च और प्याज का ही प्रयोग किया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी आधा चम्मच, मैंने उबालते हुए भी नमक डाला है इसलिए आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी और चौथाई ही चम्मच मैं इसमें बेगी मिर्च डालूंगी। और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारी सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, हमें इसे ज्यादा नहीं हिलाना है, गैस को मैं मीडियम कर देती हूँ। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच केचप सॉस ली है, ये इसमें डाल रही हूँ मैं। और इधर हमारी ये मैक्रोनी उबल चुकी है, देखो कितने बढ़िया से उबल के तैयार हुई है, ये आसानी से टूट गई है। अब मैं इसका पानी छान लेती हूँ मैक्रोनी का। और ये हमने मैक्रोनी को अच्छे से छान लिया है, अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ मसाले के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। हमारी मैक्रोनी मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब ये मैंने चौथाई चम्मच चिल्ली फ्लेक्स ली है और इसे भी मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकने देती हूँ। तो आइए चेक करते हैं, बनकर तैयार हो चुकी है। मैं सर्व करूंगी, को मैं बंद कर देती हूँ। मैक्रोनी को एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ मैं। ये कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। ये मैंने चीज ली है, अब मैं इस पे कद्दूकस करके डाल दूंगी। और ये हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।